और मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए सर, 24 जनवरी को यूपी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि उसी दिन इसका नाम चेंज किया गया था। इसका सही जवाब है 24 जनवरी 1950। सभी दोस्तों को नमस्कार, प्लूटस आईएएस में सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार रिपीट होते हैं। यूपी पीसीएस की कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो लोअर पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वो अपर पीसीएस की परीक्षा हो, या समीक्षा अधिकारी यानी कि आर ओ ए आर ओ का पेपर हो, रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का, या बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का, या उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा हो, उन सभी परीक्षा में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन का एक सेट लेके हम चल रहे हैं और आज उसी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि यूपी में जो है प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी रिपीट होते हैं। एक आइडिया डेवलप होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन कैसे आते हैं यूपी में। सभी एस्पिरेंट्स को इसको जानना चाहिए कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, किस तरीके से, किस डायमेंशन से जो है हमें अपनी प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए। तो इसी को देखते हुए आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यानी कि यूपी डे के बारे में बात पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। चार ऑप्शन है इसमें। पहला ऑप्शन अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन पूछ रहा है कि 23 जनवरी 23 जनवरी को कह रहा है, दूसरा कह रहा है 25 जनवरी को, तीसरा कह रहा है 24 जनवरी को और चौथा कह रहा है 26 जनवरी को। और ये क्वेश्चन देखिए यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 में और लोअर एग्जाम में देखिए 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी दिवस से। क्योंकि उत्तर प्रदेश का स्लोगन ही है कि मुस्कुराइए, आप उत्तर प्रदेश में हैं, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। उत्तर प्रदेश काफी बड़ा प्रदेश है, अगर क्षेत्रफल में देखा जाए उत्तर प्रदेश का तो क्षेत्रफल में चौथा स्थान है, क्योंकि पहला स्थान है राजस्थान का, दूसरा है महाराष्ट्र का, तीसरा है मध्य प्रदेश का और चौथा जो हमारा स्थान है वो है यूपी का। ठीक है, अगर हम बात करें लोकसभा सीटों की तो लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, विधानसभा में 403 सीटें हैं और विधान परिषद में जो है अगर देखा जाए तो 100 सीटें हैं। और कोई भी पीएम बनता है उसका दरवाजा उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। यहां पर यूपी दिवस से क्वेश्चन पूछा हुआ है, चार ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि 24 जनवरी को। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस जो है मनाया जाता है 24 जनवरी को। अभी योगी जी आए हैं और जैसे ही वो सत्ता में आए उन्होंने यूपी दिवस मनाने की घोषणा किया। तो इसके बारे में अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है और इसीलिए चुना गया क्योंकि यह वर्ष काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन जो है 24 जनवरी को 1950 में इसी दिन तत्कालीन जो संयुक्त प्रांत था जिसे हम यूनाइटेड प्रोविनेंस कहते हैं उसका नाम बदलकर उसका नाम रखा गया था 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश रखा गया था। ठीक है, तो उसका नाम संयुक्त प्रांत का नाम क्या रखा गया था, उत्तर प्रदेश, चूंकि 24 जनवरी 1950 में रखा गया था इसीलिए 24 जनवरी के दिन को जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा भी किया गया है। ठीक है, वर्ष 2018 में अगर हम बात करें प्रदेश सरकार ने प्रथम बार जो है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने के रूप में मनाया कि उत्तर प्रदेश दिवस जो है अब लगातार हर साल 24 जनवरी को यानी कि 24 जनवरी को जो है 2018 से इसकी शुरुआत हुई है और हर साल जो है उत्तर प्रदेश दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाएगा। क्वेश्चन एक है देखिए, लेकिन एक अपर में भी पूछा है, लोअर पीसीएस में भी पूछा है। अभी आपकी दो बड़ी परीक्षाएं इसी साल है आपकी, एक अपर पीसीएस का पेपर है, इसके साथ ही साथ यूपी ट्रिपल सी का पेपर है, इसके साथ साथ आपका जो है आपका आर ओ ए आर ओ का पेपर है। हर पेपर में जो है ये क्वेश्चन आपके काम आएगा। देखिए दूसरे प्रश्न पे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न अगर हम बात करें कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अगर हम बात करें कि दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, चलिए दूसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक क्षेत्रफल है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए तो अगर टोटल पूछ रहा है कि कितना है पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का, पहला है 7.33%, दूसरा है 8.99%, तीसरा है 9.02% और चौथा है 10.02%। और ये देखिए यूपी पीसीएस जीआईसी लेक्चरर के क्वेश्चन 2021 में पूछा है, यूपीपी कांस्टेबल की परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये पूछ रहा है कि आप बताइए कि कुल भारत का जितना क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में जो है उत्तर प्रदेश का कितना क्षेत्रफल है।
इसका सही जवाब है 7.33%, यानी कि ऑप्शन ए है जो है बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, 240,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश यूटी कौन है, दिल्ली से जो है इसकी सीमा स्पर्श करता है। अगर टोटल पूछा जाए तो आप बताएंगे 9, लेकिन अगर राज्य पूछे तो 8 राज्य है, यूटी को इंक्लूड करते हुए टोटल पूछा जाए तो आप बताएंगे 9, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये भारत का चौथा बड़ा राज्य है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन जनसंख्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, 24 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है, और ये जनसंख्या 24 करोड़ जो बता रहा हूं वो 2011 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार है, क्योंकि 10 साल पे जनगणना होती है और 2021 में कोविड आ गया था, इसकी वजह से जो है जनगणना नहीं हो पाई। एक्चुअल में हो सकता है 24 करोड़ से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम 24 करोड़ मान के चलेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, पाकिस्तान से भी बड़ा है, सोचिए उत्तर प्रदेश। इसीलिए सरकार बार बार लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को 4 भागों में डिवाइड किया जाए, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, उत्तरांचल और दक्षिणांचल, क्योंकि इतने बड़े राज्य को गवर्न करना एक काफी बड़ी चुनौती है। और उत्तर प्रदेश का स्लोगन है कि मुस्कुराइए, आप उत्तर प्रदेश में हैं, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। तीसरा क्वेश्चन है, अगर हम बात करें तीसरा क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है, यानी कि एक्सेप्ट किया है। पहला है बुलंद दरवाजा, दूसरा है रूमी दरवाजा, तीसरा है लखी दरवाजा और चौथा है दिल्ली गेट। तो देखिए, रूमी दरवाजा जो कि लखनऊ में है, वहीं से जो है इसको एक्सेप्ट किया गया है, अंगीकार किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में, चूंकि नवाबों का शहर है लखनऊ, और लखनऊ के बारे में सभी लोग जानते ही हैं, काफी अच्छी जगह है लखनऊ, और नवाबों का शहर लखनऊ कहा जाता है। 1857 के महाविद्रोह के समय जो है बेगम हजरत महल ने, जिसे हम प्यार से महक परी कहते हैं, उन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था। तो रूमी दरवाजा के बारे में बात करें तो इन्होंने रूमी दरवाजा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राजचिन्ह अंगीकार किया गया है। रूमी दरवाजा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, और इसका निर्माण किसने किया था, नवाब आसमुद्दौला ने 1784 ईस्वी में करवाया था। तो काफी इंपॉर्टेंट है रूमी दरवाजा, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि पर्यटन को प्रमोट करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, आप देख रहे होंगे कि लगातार जो है बौद्ध सर्किट को जोड़ने की बात की जा रही है, यानी कि बुद्ध भगवान से जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं सबको कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखिए राम जी से जुड़े हुए जितने भी स्थान है उसको भी कनेक्ट करने के लिए राम सर्किट की बात चल रही है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, इसको अंगीकार किया है आपका रूमी दरवाजा से। चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, यानी कि एरिया वाइज सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये भी देखिए यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है हमीरपुर, दूसरा है हरदोई, तीसरा है हाथरस, चौथा है हापुड़। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, और इन 75 जिले में से कोई ऐसा जिला होगा जो एरिया वाइज सबसे छोटा होगा, तो इसका सही जवाब है हापुड़। हापुड़ जो इसका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है, जिसका अगर किलोमीटर पूछे वर्ग किलोमीटर तो 660 है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है लखीमपुर खीरी, और लखीमपुर खीरी जो है 7680 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जो है सबसे बड़ा जिला है अगर क्षेत्रफल वाइज पूछे। तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देखा जाए तो लखीमपुर खीरी है, और लखीमपुर खीरी जो है नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है। इसके साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि आपका सबसे छोटा क्षेत्रफल में जिला जो है वो है आपका हापुड़ है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, 2021 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। मेरे दोस्तों, नेपाल के साथ भारत का बहुत ही पुराना संबंध है। उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, और नेपाल के साथ हमारा बहुत ही पुराना घनिष्ठ संबंध है। नेपाल एक छोटे भाई की तरह है, बिग ब्रदर कॉन्सेप्ट में जो है भारत हमेशा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। जब भी नेपाल को किसी चीज़ की जरूरत होती है सबसे पहले फ्रंट पे भारत ही खड़ा रहता है, क्योंकि नेपाल जाने के लिए कोई वीजा की जरूरत है नहीं। और यूपीपीसीएस आरओ एआरओ की परीक्षा 2021 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, और देखिए यहाँ पूछ रहा है कि बलरामपुर कौन नहीं है। किसी भी पेपर में अगर नहीं पूछे या असत्य नहीं, असत्य कौन सा है या नहीं पूछे, तो एकदम अलर्ट रहना है और आराम से पहले क्वेश्चन को देखना है। पहला है कि बलरामपुर, दूसरा है श्रावस्ती, तीसरा है कुशीनगर कुशीनारा, चूंकि मल्लों का
राजधानी थे मल्लो की और गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और गौतम बुद्ध ने भी तो सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, सबसे पहला उपदेश सॉरी सारनाथ में दिया था और सबसे ज्यादा उपदेश दिया था श्रावस्ती में दिया था। तो यहाँ पे पूछ रहा कि कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो माय डियर बलरामपुर करता है, बिल्कुल करता है, श्रावस्ती भी करता है, बिल्कुल करता है, लखीमपुर खीरी बिल्कुल करता है, लेकिन कुशीनगर जो है आपका नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कुशीनगर चूंकि एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? पड़रौना में है। अगर कुशीनगर के हम बारे में अगर हम बात करें तो ये गोरखपुर जनपद के अंतर्गत, गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आता है। कुशीनगर अगर हम बात करें गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आता है, चूंकि कुशीनगर मतलब गोरखपुर जो मंडल है, गोरखपुर मंडल में चार जिले हैं। गोरखपुर मंडल में कितने जिले हैं? चार जिले हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो गोरखपुर एक मंडल भी है तो गोरखपुर एक जिला भी है। जो मंडल होगा वह जिला भी होगा, तो एक हो गया गोरखपुर, दूसरा है देवरिया, देवरिया हो गया, तीसरा आपका कुशीनगर है और चौथा आपका महाराजगंज है, महाराजगंज है। तो महाराजगंज चूंकि गोरखपुर मंडल के अंतर्गत एक जिला है और महाराजगंज जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, बट कुशीनगर चूंकि गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आता है, कुशीनगर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कुशीनारा, यानी कि कुशीनगर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में नहीं है। अब ये पूछ रहा है कि राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? एक बात बताओ, मछलियां तीर धनुष है राजकीय चिन्ह में, लेकिन कहीं पर भी चूंकि राजकीय पक्षी मोर है, ठीक है, अगर हम बात करें इसमें मोर दिया हुआ कहां से हो पाएगा? ये गलत है, जबकि मछलियां सही हैं, तीर धनुष सही है, इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और देखिए यूपी पीसीएस मेंस जब होता था तो जीएस के प्रथम पेपर में जो है 2014 में 2014 में जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जीएस में 2011 में पूछा है, यूपीएसआई में पूछा है, बीडीओ की परीक्षा में पूछा है, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में पूछा है। देखिए मुस्कुराइए आप उत्तर प्रदेश में, क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होते हैं, तो हमको एक आइडिया डेवलप करना है कि क्वेश्चन आते कहां से हैं। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप इतना बार देखो रिपीट हो रहा है, तो क्यों ना हम इनको सीरीज को लगातार हम रिकॉल करें, जिससे कि कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया है वो ना छूटे। इसका देखिए क्या होगा, राजकीय पक्षी क्या है उत्तर प्रदेश का? तो सारस या क्रौंच, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रौंच जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इस डेटा को भी याद रखिएगा। राजकीय पशु पूछे तो बारहसिंगा जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, राजकीय पक्षी पूछे उत्तर प्रदेश का तो सारस अथवा क्रौंच है, राजकीय वृक्ष पूछे तो अशोक का पेड़ है, राजकीय पुष्प पूछे फ्लास का पुष्प है, राजकीय खेल पूछे तो हॉकी है, और राजकीय चिन्ह पूछे तो एक वृत्त में दो मछली एक तीर धनुष। ये याद रखिएगा इस डेटा को, ये आपसे आपकी परीक्षा में लगातार इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। मान लीजिए इसमें तो आपका पूछा कि प्रतीक चिन्ह क्या है, तो आपने बता दिया कि सर इसका प्रतीक चिन्ह, हमने बता दिया कि प्रतीक चिन्ह क्या है, लेकिन अगर मान लीजिए देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछा, राजकीय पक्षी पूछा, तो आपने बी वाला क्वेश्चन पूछ दिया, हो सकता है इन 5-6 में जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके। तो आपको क्या करना है, आपको इसको रिकॉल करना है, और यही चीजें हमको बार बार सीखना भी है। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? अब चार दे दिया गया है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद पूछा गया है, आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा उत्तर प्रदेश में चारों में से न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। पहला ऑप्शन क्या दिया है सर? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर मतलब खलीलाबाद, जिसे कहते हैं मगहर कबीरदास, ठीक है, संत कबीर नगर गोरखपुर के बगल में एक जिला है। दूसरा है गौतम बुद्ध नगर, चूंकि गौतम बुद्ध नगर का हेडक्वार्टर भी नोएडा में है। तीसरा आपसे पूछ रहा है अंबेडकर नगर, और चौथा है कानपुर नगर। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, कानपुर में चूंकि गंगा नदी है, इंडस्ट्रियल एरिया है वो कानपुर, चर्म उद्योग भी ज्यादा होता है वहां पे। अब पूछ रहा है न्यूनतम क्षेत्रफल इसमें चारों में से कौन है, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गौतम बुद्ध नगर, जिसका हेडक्वार्टर क्या है आपका नोएडा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों हो जाएगा, देखिए यहां पे क्षेत्रफल में अगर देखेंगे, अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर है 2350 वर्ग किलोमीटर में, ये एरिया में है।
कानपुर को देखा जाए तो 3155 वर्ग किलोमीटर में है, गौतम बुद्ध नगर देखिए 1282 वर्ग किलोमीटर में है, संत कबीर नगर देखेंगे 1646 वर्ग किलोमीटर में है। अगर मान लीजिए इसी में से पूछा, अगर मान लीजिए पहला दूसरा कहीं ऐसे क्वेश्चन पूछ दे, इसमें चूंकि पूछा है कि न्यूनतम क्षेत्रफल वाला कौन है, तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला कौन सा जनपद है, गौतम बुद्ध नगर। इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। और ये यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा में 2005 में जीएस में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए जीएस का क्या पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन है, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जनपद और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन है। पहला ऑप्शन दिया है सोनभद्र और संत रविदास नगर, यानी कि भदोही की बात कर रहा है। दूसरा दे रहा है लखीमपुर खीरी और संत रविदास नगर के बारे में बात कर रहा है। तीसरा कह रहा है लखनऊ और बागपत के बारे में। चौथा है कानपुर देहात और ललितपुर में। अभी मैंने कहा कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कोई जनपद है वह है लखीमपुर खीरी, और इसमें देखिए चारों में अगर एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करेंगे तो आपका सही जवाब क्या मिलेगा, लखीमपुर खीरी और संत रविदास नगर यानी कि भदोही के बारे में इसमें बात हो रही है, यानी कि भदोही के बारे में इसमें बात हो रही है। ठीक है, चलिए सब कुछ सही है, तो इसलिए ऑप्शन इस चारों में से क्या हो जाएगा, चारों में से हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल में देखा जाए तो लखीमपुर खीरी और संत रविदास नगर सबसे छोटा, इन चारों में अगर कंपेयर किया जाए। और ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जीएस में 2004 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, चूंकि अगर देखना है लखीमपुर खीरी तो 7680 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है, चूंकि प्रदेश में सबसे कम पूछा गया था तो संत रविदास नगर भदोही चूंकि 1015 वर्ग किलोमीटर था, और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के सबसे छोटा जिला जो है हापुड़ है, जो ऑलरेडी पहले बता चुका हूं 660 वर्ग किलोमीटर, चूंकि क्वेश्चन के आधार पर जो है सबसे कम हमें बताना था। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर किससे नहीं लगता है। मैंने पहले भी कहा उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, अब इसमें कौन नहीं करता है। पहला ऑप्शन है बलरामपुर, दूसरा है श्रावस्ती, तीसरा है पीलीभीत और चौथा है बस्ती। देखो भैया बस्ती क्या है, एक मंडल है, बस्ती क्या है, एक मंडल है, और बस्ती जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि स्पर्श नहीं करता है पूछा गया, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और यह पूछा गया यूपी पीसीएस फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर 2013 के, गेट बंद कर दीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य में बस्ती जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ये 7 जिले कौन है, सिद्धार्थ नगर है, कपिल वस्तु, सिद्धार्थ नगर, ये बलरामपुर है चूंकि बलरामपुर भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, श्रावस्ती भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, महाराजगंज चूंकि गोरखपुर मंडल के अंतर्गत एक जिला है महाराजगंज, वो भी सीमा साझा करता है, इसके साथ साथ बहराइच भी सीमा साझा करता है, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। तो ये 7 जिलों का नाम याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में आपसे इसी में से पूछ देगा कौन सा जिला स्पर्श करता है, कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और ये यूपी पीसीएस के फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर 2013 की क्वेश्चन में परीक्षा में क्वेश्चन ये पूछा गया था। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल के बारे में अगर हम बात करें एरिया वाइज, तो मैंने कहा सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल में है वो है राजस्थान, उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद है यूपी। तो ऑलरेडी मैंने पहले भी बता चुका है, तो इसका स्थान जो है चूंकि यहां पर इसमें गलत दिया हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत में राज्यों में स्थान, तो वो कौन सा है, चौथा स्थान। ठीक है, ये सब बता चुका हूं तो इसलिए क्वेश्चन रिपीट है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन हम 12वें क्वेश्चन पे बात करें, यूपी में अगर ये पूछ रहा है कि यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड, हरियाणा ठीक है और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, और ये यूपी पीसीएस हेल्थ स्पेक्ट्रम में 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा यूपी का जिला है जो उत्तरांचल के साथ, इसके साथ साथ हरियाणा के साथ, इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बजाता है। मैंने शुरुआत में कहा कि उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अब यूपी का कोई ना कोई तो ऐसा जिला होगा जो 3 राज्यों से लगा हुआ है। अब देखिए मैंने कहा तो वो उत्तरांचल से भी कह रहा है, हरियाणा से भी कह रहा है और हिमाचल प्रदेश। अगर यूपी को देखेंगे तो पूर्व में कौन है, पूर्व में या ईस्ट में देखिए या वेस्ट में देखिए,
या नॉर्थ में देखिए, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ डायरेक्शन में देखेंगे, पूर्व में आपका एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बलिया, बागी बलिया। पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिम में एक डिस्ट्रिक्ट है आपका शामली, दिल्ली एनसीआर से लगा है, एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन। नॉर्थ में देखेंगे तो सहारनपुर है, सहारनपुर है। और साउथ में देखेंगे तो आपका है सोनभद्र, सोनभद्र। माय डियर, सोनभद्र वो एरिया है, वो जिला है, साउथ में है उत्तर प्रदेश के, जो चार राज्यों से सीमा साझा करता है। वह बिहार से भी बॉर्डर साझा करता है, झारखंड से भी करता है, मध्य प्रदेश से भी करता है और छत्तीसगढ़ से करता है। अब आप कॉमन सेंस लगाएंगे और पूछ रहा है, चूंकि उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ये बताओ नॉर्थ में कौन था? सहारनपुर। इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? सहारनपुर। वो सहारनपुर ऐसा है जिला है जो उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ और हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सहारनपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। पूरब में बलिया, पश्चिम में शामली, उत्तर में आपका सहारनपुर एंड दक्षिण में सोनभद्रा। सोनभद्रा अगर पूछे कितने राज्यों से सीमा साझा करता है तो चार राज्य आपका बिहार, आपका झारखंड, आपका मध्य प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़ के साथ करता है। अगला क्वेश्चन पे बात करें, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन फिर देखिए आरओआरओ प्रीलिम्स में पूछा हुआ है, 2017 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? अभी मैं आप लोगों से डिस्कशन किया, पूर्व में कौन है? बलिया है। पश्चिम में कौन है? शामली है। उत्तर में कौन है? सहारनपुर है। और दक्षिण में कौन है? सोनभद्र है। याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम है, ठीक है, छोटा से बड़ा पूछ रहा है। पहला है बाराबंकी, दूसरा है गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा, तीसरा है मिर्जापुर और चौथा है सोनभद्र। दूसरा है मिर्जापुर, सोनभद्र, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर। तीसरा है गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। और यूपी पीसीएस मेंस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल जैसे ही बोला और बोल रहा है कि आरोही क्रम में इन चारों को बनाइए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर दे दिया है। क्योंकि मैंने शुरुआत में जब बताया तो देखिए गौतम बुद्ध नगर कितना बताया था, गौतम बुद्ध नगर बताया था 1282 वर्ग किलोमीटर, मैं यही बताया था आप सभी को। गौतम बुद्ध नगर जब शुरुआती क्वेश्चन में पूछा था तो सीधे ही गौतम बुद्ध नगर दे दिया था, और मैंने कहा कि 1282 वर्ग किलोमीटर। बाराबंकी कितना था? 4402, मिर्जापुर 4405 एंड सोनभद्रा 6905 वर्ग किलोमीटर। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, जैसे ही आप अगर दिमाग में रखेंगे कि इसमें पूछ रहा है आरोही क्रम में, छोटे से बड़े में पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे? गौतम बुद्ध नगर सबसे पहला हो जाएगा सर। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सोनभद्र जिले कितने राज्यों को स्पर्श करती है? सोनभद्र जिला जो है यही पूछ रहा है क्वेश्चन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, मैं बोल दे रहा हूं, सोनभद्र जिला जो पूछ रहा है कि कितने जिलों को जो है स्पर्श करता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। सोनभद्र जिले को स्पर्श, तो अब मैंने क्या बताया, चार राज्यों से सोनभद्र करता है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। कितना हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए कितने से हो जाएगा? चार राज्यों से सीमा साझा करता है। बस एक मिनट रुक जाइए आप, ये हो जाएगा चार राज्यों की सीमा स्पर्श करता है, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जनपद जो चार राज्यों से सीमा से लगा हुआ है? फिर वो क्वेश्चन पूछ रहा है यूपी पीसीएस में, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है, और फिर वही क्वेश्चन मेरा, चार राज्यों की सीमा से पहला है सोनभद्र, दूसरा है सहारनपुर, तीसरा है बिजनौर, चौथा है आगरा। और मैं फिर बता चुका हूं कि सोनभद्र ऐसा जिला है जो चार राज्यों से सीमा साझा करता है। और ये क्वेश्चन देखिए आपके यूपी पीसीएस आरएफओ मेंस में भी क्वेश्चन पूछा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन इसका ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नोएडा, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, मतलब सिचुएटेड है? पहला है गौतम बुद्ध नगर, दूसरा है गाजियाबाद, तीसरा है मेरठ, चौथा है शाहजहानपुर। चूंकि अगर आप देखेंगे शाहजहानपुर अभी नगर निगम घोषित हुआ है, लेटेस्ट नगर निगम वही है शाहजहानपुर, ये तो होगा नहीं,
तो इसका सही जवाब है गौतम बुद्ध नगर, चूंकि इसका हेडक्वार्टर भी क्या है, नोएडा। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कई बार पेपर में आपसे नोएडा का फुल फॉर्म भी पूछा गया कि क्या इसका फुल फॉर्म है नोएडा का, तो एन फॉर क्या हो जाएगा, एन फॉर हो जाएगा न्यू, ए फॉर ओखला, आई फॉर इंडस्ट्रियल, डी फॉर डेवलपमेंट, ए फॉर अथॉरिटी। ठीक है, तो याद रखिएगा नोएडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, और ये यूपी पीसीएस मेंस 2013 में जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन, पहला ऑप्शन है वाराणसी, दूसरा है जौनपुर, तीसरा है प्रयागराज, चौथा है गाजीपुर। अब गंगा की बहन को गाजीपुर भी कहा, गंगा की बहन भी कहा जाता है गाजीपुर को, अफीम फैक्ट्री भी है गाजीपुर में, बनारस के बगल में ही है गाजीपुर, और पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा कौन है जिला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र यानी कि वाराणसी, क्योंकि वाराणसी का अगर देखा जाए तो 1535 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जौनपुर का देखा जाए तो 4038 वर्ग किलोमीटर है, प्रयागराज संगम जिसे कहा जाए, त्रिवेणी जिसे कहा जाए, प्रयागराज यानी कि 5482, एंड गाजीपुर काशी की बहन जिसे कहा जाता है वो 3377 है। ठीक है, तो याद रखिए सबसे छोटा कौन सा, इतना भीड़ भाड़ वाला एरिया जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बनारस, वाराणसी, काशी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताइए। पहला ऑप्शन है संत कबीर नगर, दूसरा है अंबेडकर नगर, तीसरा है सिद्धार्थ नगर, चौथा है संत रविदास नगर। दूसरा कह रहा है बी सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर। सी कह रहा है अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर और संत कबीर नगर, और डी है संत रविदास नगर, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर, और पूछ रहा है उत्तर से दक्षिण आप बताइए। तो इसका सही जवाब है, चूंकि सिद्धार्थ नगर है, ऊपर से नीचे आना है, सिद्धार्थ नगर के नीचे आएंगे तो संत कबीर नगर पड़ेगा, संत कबीर नगर के नीचे आएंगे तो आपका अंबेडकर नगर, और पहले चले जाएंगे संत रविदास नगर यानी कि भदोही, और जहां का कालीन जो है बड़ा फेमस है, पूरी दुनिया में कालीन भदोही का बहुत ही फेमस है, यानी कि उत्तर से दक्षिण, यानी कि शुरुआत किससे हुई, सिद्धार्थ नगर से, उसके बाद नीचे थोड़ा सा आएंगे संत कबीर नगर यानी कि खलीलाबाद जिसका मुख्यालय है, उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा अंबेडकर नगर, और उसके नीचे थोड़ा सा आइए तो संत रविदास नगर, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। 20 नंबर, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। मैं बार बार ये क्वेश्चन कहता हूं, लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। इसका सही जवाब देखिए, लोअर में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, लोअर पीसीएस में पूछा हुआ है, तो इसका सही जवाब है ये बताइए, महाराजगंज बिल्कुल करता है, ये तो करता है, पीलीभीत भी करता है, श्रावस्ती भी करता है, कहीं सीतापुर का मैंने नाम लिया क्या, चूंकि लखनऊपुर, लखनऊ के बगल में सीतापुर एक जगह है, जिला है सीतापुर, और सीतापुर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। उत्तर प्रदेश के सिर्फ 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। आप लोग को एक आइडिया डेवलप हो रहा होगा कि क्वेश्चन पूछ कैसे रहे, कितना रिपीट कर रहा है, बस ऑप्शन बदल दे रहा है, रिपीट बार बार क्वेश्चन वही हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है, कितने जब पूछे तो आप क्या बोलोगे, राज्य पूछा है सिर्फ, यहाँ पे कुल नहीं पूछा है, यहाँ पे सिर्फ राज्य पूछा है। तो मैंने कहा था 8 राज्य हैं और एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, जिसे हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। तो अगर यहाँ पे कुल पूछता तो हम टोटल 9 मारते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल पूछा राज्य कितने हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 8 राज्य, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। और ये 8 राज्य उत्तराखंड, चूंकि उत्तर प्रदेश का ये भाग था, और सन 2000 में 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को, आप सभी जानते हैं कि यूपी से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, 3 अलग अलग राज्य बने थे। तो यूपी का ही भाग था उत्तराखंड, चूंकि अब अलग हो गया है, उत्तरांचल के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड, ये भी यूपी से सटा हुआ है, हिमाचल प्रदेश भी है, शिमला 90% जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की गाँव में निवास करती है, और काफी चुनाव में देखा ही होगा आप लोगों ने, हरियाणा काफी पुराना नाता हमारा रहा है। ठीक है, महाभारत की लड़ाई हरियाणा में ही हुई है। और राजस्थान, चूंकि त्योहारों का शहर है, पर्व का शहर है राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा, बिहार तो चूंकि उत्तर प्रदेश के बगल में ही है, और झारखंड से मिलती है। ठीक है, यानी कि टोटल जो अगर देखा जाए तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। अगर आपको जब पूछा नहीं लगती है, आपको अगर पता रहे कि कौन कौन से लगती है तो नहीं वाला हट जाएगा। ये पूछा है यूपी पीसीएस मेंस 2015 में पूछा हुआ है।
पहला ऑप्शन है राजस्थान के साथ। क्या बात है, राजस्थान अभी चले जाइए वहां पर, आगरा मथुरा के बगल में राजस्थान, भरतपुर चालू हो जाएगा। पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ या उपरोक्त में से कोई नहीं, ये पूछ रहा है। एक बात बताओ, पंजाब के साथ सीमा साझा करती है? नहीं सर, पंजाब के साथ सीमा साझा नहीं करती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सिर्फ यहां पर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहीं भी पंजाब का नाम लिया? नहीं लिया। मैंने हिमाचल का नाम जरूर लिया, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड का नाम लिया, लेकिन कहीं पर भी हमने पंजाब का नाम नहीं लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? फिर वही क्वेश्चन घुमा फिरा के, पहला है गौतम बुद्ध नगर, दूसरा है हाथरस, पहला है गौतम बुद्ध, दूसरा हाथरस, तीसरा कन्नौज, चौथा संत रविदास नगर। और आपसे पूछ रहा है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, तो इसमें सही जवाब है संत रविदास नगर, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, भदोही जिसे कहते हैं, ऑप्शन इसका डी, क्योंकि संत रविदास नगर क्षेत्रफल में चारों में से कम है, क्योंकि 1015 वर्ग किलोमीटर है, जबकि गौतम बुद्ध नगर नोएडा जिसे कहते हैं 1442 वर्ग किलोमीटर, हाथरस का हींग काफी फेमस है 1840 वर्ग किलोमीटर, और कन्नौज का इत्र काफी फेमस है 2093 वर्ग किलोमीटर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, हाथरस का हींग, कन्नौज का इत्र, पूरी दुनिया में कन्नौज का इत्र फेमस है। ठीक है, चलिए, और इस बार तो कन्नौज काफी चुनाव में भी देखा ही होगा आप लोगों ने, काफी चर्चा का विषय था। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? मैंने क्षेत्रफल में कई बार बताया इस क्वेश्चन को, और मैंने कहा कि सर चौथा स्थान है, क्योंकि पहला स्थान तो राजस्थान का है, दूसरा स्थान जो है महाराष्ट्र का है, तीसरा स्थान अगर देखें तो मध्य प्रदेश का है, और चौथा किसका है, यूपी का है। ठीक है, याद रखिएगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, चलिए। पच्चीसवां है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, और दूसरा इलाहाबाद, तीसरा लखनऊ, चौथा है रायबरेली। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला मैंने कहा लखीमपुर खीरी है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। और चूंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में चौथा स्थान है। प्रदेश का क्षेत्रफल में 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी, तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? हापुड़ है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है, यूपीएसआई समीक्षा अधिकारी, यूपीपीसीएस असिस्टेंट फॉरेस्ट कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम पूछे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? बताइए, राजस्थान है, पंजाब है, पश्चिम बंगाल है या आंध्र प्रदेश है? तो एक बात बताओ, पंजाब तो है ही नहीं, पश्चिम बंगाल तो बहुत दूर चला गया, आंध्र प्रदेश तो साउथ में चला गया, तो बचा कौन? राजस्थान है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड, चूंकि अगर हम बुंदेलखंड रीजन के बारे में बात करें तो कुछ जिले उत्तर प्रदेश के आते हैं और कुछ जिले आपके मध्य प्रदेश के आते हैं। अगर हम बात करें फतेहपुर ना, जौनपुर ना, महोबा और श्रावस्ती, इसका सही जवाब है महोबा जो है वह बुंदेलखंड रीजन के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से साझा सीमा साझा करता है? पहला है चीन, दूसरा है भूटान, तीसरा है नेपाल, चौथा है बांग्लादेश। यूपी से सिर्फ एक ही करता है, उसका नाम है नेपाल, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, चूंकि 8 राज्य और 1 यूटी से सीमा साझा करता है, और मैं बता भी चुका हूं, कई बार बता चुका हूं, याद रखिएगा। 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर, एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका सही जो पहला ऑप्शन है शामली को, दूसरा है अलीगढ़ को, तीसरा है आगरा को, चौथा है मथुरा को। तो इसमें किसको किया गया है? तो इसमें शामली जिले को किया गया है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, 23वें जिले के रूप में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, एनसीआर में उत्तर प्रदेश के जिले हैं, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 9 जिले कौन कौन से जिले? मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर, बागपत, इसके साथ साथ हापुड़ और शामली को शामिल किया गया है, चूंकि लास्ट पूछा था 23वें जिले के रूप में, तो शामली को शामिल किया गया है।
अगला है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसकी सीमा नेपाल के साथ मिलती है। अभी बार बार ये क्वेश्चन रिपीट है, किसके साथ पूछ रहा है सीमा नेपाल के साथ मिलती है। तो इसमें मैं बार बार कह रहा हूं कि महाराजगंज ऑप्शन इसका बी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, उसमें महाराजगंज का भी नाम आता है। अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछ रहा है कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950 या 2 अक्टूबर 1950। और मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए सर, 24 जनवरी को यूपी दिवस इसलिए बनाया जाता है कि उसी दिन इसका नाम चेंज किया गया था। इसका सही जवाब है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन अगर हम बात करें, 32वां पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, तो पशु में कौन सा आ जाएगा, तो इसका नाम है बारहसिंगा। ठीक है, याद रखिएगा पशु कौन सा है और राज्य की भाषा कौन है, हिंदी और उर्दू है, क्योंकि उर्दू को द्वितीय भाषा घोषित किया गया उत्तर प्रदेश का 1989 में घोषित किया गया था। राज्य की चिन्ह कौन है, मछलियां और तीर धनुष है। पुष्प कौन सा है, फ्लास का पुष्प है, याद रखिएगा राज्य के वृक्ष अशोक है। और राज्य की पक्षी कौन है, सारस और अथवा क्रॉन्च इसका पक्षी है। अब नदी के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है, यहाँ पे गंगा जी पूछ रहा है कहां पर है, यहाँ पर जौनपुर, बिछूर, प्रतापगढ़ और गोरखपुर में। अगर मान लीजिए एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करते हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो गोरखपुर में कौन सी नदी है, मान लीजिए ये, तो गोरखपुर में कौन सी नदी है, बी यानी कि राप्ती नदी गोरखपुर में है, यानी कि अगर बी का देखें तो बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड का देखिए प्रयोग करते हैं, सिर्फ बी का 4 इसमें दिया है और इसमें दिया है, इसमें नहीं दिया है काट दीजिए, इसमें भी नहीं दिया है काट दीजिए, यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो बी और सी के बीच में हमारी लड़ाई रहेगी। अच्छा एक बात बताइए कि जौनपुर में कौन सी नदी है, तो जौनपुर में अगर आप देखेंगे या लखनऊ में देखेंगे तो कौन सी नदी है, गोमती नदी है, यानी कि सी का हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए सी का फर्स्ट किस में दिया हुआ है, सी का फर्स्ट दोनों में दिया हुआ है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, गंगा कहां पर है, कानपुर में भी गंगा है, बिठूर में भी गंगा है, यानी ए का हो जाएगा 2। तब देखते हैं ए का 2 किस में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करके भी जो है आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, कई बार बता चुका हूं राजकीय पुष्प, देखिए यूपीपीसीएस जूनियर असिस्टेंट में भी पूछा हुआ है, तो पुष्प कौन सा है, फ्लास का पुष्प है। और पशु पूछे तो बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रोच, वृक्ष पूछे तो आप अशोक का, खेल पूछे हॉकी का, और राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछलियां, 1 तीर धनुष, 1938 में इस चिन्ह को स्वीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन अगर पूछे, लास्ट बट नॉट लिस्ट, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, तो सारस अथवा क्रॉन जो है राज्य पक्षी है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, तो अभी कितने जिले हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में 75 जो है जिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यूपी में, उत्तर प्रदेश में देखा जाए जिलों की संख्या, तो यूपी में जो डिस्ट्रिक्ट है, जिलों की संख्या के बारे में अगर बात करें तो जिलों की संख्या है कितना, 75 है। अगर हम मंडल के बारे में बात करें, उत्तर प्रदेश में कितना मंडल है, तो 18 हमारा मंडल है। अगर मंडल पूछे तो आप बताइए कि सर मंडल कितने हैं, तो मंडल हमारे उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 18 हैं। अगर आपसे लोकसभा की सीटें पूछे तो आप बताइए कि 80 लोकसभा की सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें पूछे तो बताइए कि सर राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधानसभा का पूछे तो विधानसभा का बताइए कि 403 विधानसभा की सीटें हैं। विधान परिषद पूछे तो विधान परिषद में बताइए कि 100 हमारी सीटें हैं। तो ये रहा एक छोटा सा प्रयास उत्तर प्रदेश का। मैं बार बार कहता हूं कि मुस्कुराइए, आप उत्तर प्रदेश में हैं, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। और एक हमने एक आप लोग को एक इंट्रोडक्शन प्रीलिम्स क्वेश्चन का क्लास मैंने लिया, जिसमें मैंने बताया कि देखिए कितने क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो नेपाल से सीमा साझा करने का हो, चाहे सोनभद्र का हो कितने राज्यों से हैं, चाहे वो सहारनपुर का हो कितने राज्य से हैं, या उत्तर में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, दक्षिण में कौन है, ये जितना भी क्वेश्चन से बार बार रिपीट हुआ है। और यूपी का राज्य की पशु कौन है, पक्षी कौन है, पुष्प कौन सा है, ठीक है, ये क्वेश्चन लगातार रिपीट हुए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज का जो सेशन है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी तरह के प्रीलिम्स ओरिएंटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं या प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों पे हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे, ताकि आपका 2 बड़ी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश की हैं, एक आपका यूपीपीसीएस अपर परीक्षा है और दूसरा आपका समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर जिसका री एग्जाम होने वाला है, क्योंकि ये पेपर
जनवरी में हुआ था, पेपर आउट हो गया था, कैंसिल हो गया था, री एग्जाम होने वाला है। एक गोल्डन चांस है क्योंकि इस बार पोस्टें ज्यादा हैं, 550 यानी कि 550 से भी ज्यादा पोस्ट जो है इस बार आपके आर ओ ए आर ओ के पेपर में देखने को मिलेगा। और इतनी बड़ी वैकेंसी कभी आई नहीं है अभी तक आर ओ में, आपको जान के खुशी होगी। और इसके साथ साथ यूपी में भी जो है वैकेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, 2018 को फिर से ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला है इस बार 2024 का प्रीलिम्स का पेपर। तो मुस्कुराइए, आप उत्तर प्रदेश में हैं और यूपी के सेशन को फिर हम आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है हमारा बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।